हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही काम की चीज शेयर करने वाला हूं। जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप कभी ऑप्शन को सेल करके और वहां पे पोजीशन में फंस जाते हो तो आप कैसे वहां से बाहर निकल सकते हो, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिये, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है वो आउट द मनी एक्सपायर हो, सो दैट जो क्रेडिट हमने रिसीव किया है वो जीरो हो जाए और ये हमारा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमें लॉस कब होता है, जब ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हम मार्केट को एंटीसिपेट करना शुरू कर देते हैं और ऑप्शन जब इन द मनी हो जाता है उसके बावजूद भी हम ऑप्शन से एग्जिट नहीं होते हैं, ये सोच के कि मार्केट रिवर्स होगा और ये ऑप्शन आउट द मनी आ जाएगा। तो हम ऑप्शन को इन द मनी अलो कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बीइंग ए ऑप्शन सेलर, आपको कभी भी अपने बेचे हुए स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी नहीं जाने देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये एट द मनी तक जा सकता है। अगर एट द मनी पे पहुंचता है तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट कर देना चाहिए। इन द मनी आपको कभी भी अलो नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने इसको इन द मनी अलो कर दिया है, मार्केट को आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आपको लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा और आपने इसको इन द मनी जाने दिया, लेकिन उसके बाद आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट में अगले दिन और गैप अप या गैप डाउन होता है और आपका जो ऑप्शन है ये डीप इन द मनी चला जाता है। तो जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है वो अब डीप इन द मनी हो चुका है, इसमें आपको हैवी लॉस हो रहा है। लेकिन अब यहां पे आपके साथ एक और रिस्क ऐड हो गया है। आपको लॉस तो हो ही रहा था लेकिन अब आप इस पोजीशन से एग्जिट भी नहीं कर सकते हो। और इसका रीजन क्या है कि जो डीप इन द मनी ऑप्शन होते हैं वहां पे लिक्विडिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि आपने ऑप्शन को सेल किया था और अब वो ऑप्शन डीप इन द मनी हो चुका है, तो यहां पे एक तो आपको हैवी लॉस हो रहा है और दूसरी दिक्कत यह है कि आप इस लॉस को बुक करके बाहर भी नहीं निकल सकते। आप उस पोजीशन में फंस चुके हो, आप वहां से एग्जिट भी नहीं कर सकते। और अगर मार्केट और गिरता है तो आपका लॉस है ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपको लॉस हो रहा है, आपका लॉस आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन स्टिल आप इस पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो ये एक वर्स्ट नाइटमेयर है एक ऑप्शन सेलर के लिए कि इस तरह की सिचुएशन में वो फंस जाए कि उसका ऑप्शन ना वो इन द मनी भी हो गया और वो एग्जिट भी नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, देखिए इलिक्विडिटी की वजह से और अगर आपकी पोजीशन फंस गई है, आप ऑप्शन से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना स्लिपेज चार्जेस दिए कैसे इलिक्विड ऑप्शन से एग्जिट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। मैंने एनएसई की साइट ओपन की है और वहां पे निफ्टी की ऑप्शन चेन को मैंने ओपन किया है। तो मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,100 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो अब आप मान लीजिए आपने एक पुट ऑप्शन को सेल किया था और उसके बाद मार्केट काफी तेजी से गिरा है पिछले कुछ टाइम में, तो यहां पे पुट ऑप्शन है वो इन द मनी हो चुका है। आप मान लीजिए आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया था, वो पुट ऑप्शन अब डीप इन द मनी हो चुका है, तो क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप किस तरह से एग्जिट कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्केट अभी 17,100 पे है, तो मैं ऊपर चलता हूं और एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे 18,300 का पुट ऑप्शन सेल किया है जो अब डीप इन द मनी हो रखा है, क्योंकि मार्केट 17,100 पे है और आपका पुट ऑप्शन कौन सा है, 18,300। तो 18,300 का पुट ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा था उसमें आपको हैवी लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये अब डीप इन द मनी हो चुका है। तो यहां पे अब आप देखिए, अगर आप अपने लॉस को बुक करके और निकलना चाहते हो तो आप देखिए यहां पे आप एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विडिटी यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे आप देखिए जो सेलर है वो कहां पे खड़ा है, 1095 जो सेलर है उसका प्राइस ये है, ऑलमोस्ट 1100 रुपीज पे सेलर खड़ा है। और बायर कहां पे खड़ा है, बायर खड़ा है 1200 रुपीज पे, 1212 रुपीज पे बायर खड़ा है। तो सेलर और बायर के बीच में आप डिफरेंस देखिए मोर देन 100 पॉइंट का है। तो यहां पे अगर आप एग्जिट करते हो तो स्लिपेज चार्जेस आपको कितने लग रहे हैं, मोर देन 5000 रुपीज। आपको 5000 रुपए का लॉस बिना कुछ किए हो रहा है सिर्फ इलिक्विडिटी की वजह से। क्यों, क्योंकि यहां पे बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस है वो मोर देन 100 पॉइंट्स है। आपको ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है सिर्फ इलिक्विडिटी की वजह से। तो यहां पे आप एग्जिट किस तरह से करोगे, और ये मैंने आपको यहां का दिखाया है। अगर आप और डीप जाओगे तो ये लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आप और ऊपर आते हो, 18,600 का पुट ऑप्शन है, यहां पे आप देखिए जो सेलर है वो खड़ा है 1346 पे और जो बायर है ये खड़ा है 1500 पे। तो यहां पे डिफरेंस है ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का है। यहां पे आपको कितना लॉस होगा, 7,500 रुपीज का सिर्फ इलिक्विडिटी की वजह से। तो अगर आप डीप इन द मनी ऑप्शंस में फंस चुके हो तो आपको यहां पे एग्जिट होने में 5,000 से 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी वहां पे नहीं है। तो अगर आप इस तरह की पोजीशन में फंस जाओ जहां पे इलिक्विडिटी की वजह से आप एक पोजीशन में फंस चुके हो, यहां पे आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस तरह से एग्जिट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए 18,300 का पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा था और यहां पे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है और आपको अब एग्जिट होना है,
है, क्योंकि मार्केट अगर और गिरा तो आपका लॉस है वो और बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 18300 का पुट ऑप्शन है ये तो इलिक्विड है क्योंकि ये इन द मनी है, लेकिन 18300 का जो कॉल ऑप्शन है ये लिक्विड है क्योंकि ये आउट द मनी है। तो आप क्या करोगे, 18300 का कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट बाई कर लोगे और जो फ्यूचर है उसको सेल कर दोगे। फ्यूचर जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां पे आप फ्यूचर को सेल कर दोगे और उसके अगेंस्ट आप 18300 का कॉल ऑप्शन है ये बाई कर लोगे। तो क्योंकि 18300 का कॉल ऑप्शन है ये आउट द मनी है तो ये इजीली लिक्विड होगा, तो यहाँ पे आपको बाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 18300 का कॉल ऑप्शन आप इजीली बाई कर सकते हो और जो फ्यूचर है वो तो लिक्विड होता ही है, करंट मार्केट प्राइस पे आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए तो फ्यूचर में भी लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी और 18300 के कॉल ऑप्शन को बाई करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब इन दोनों पोजीशन को आप मिलाते हो तो ये सिंथेटिक पोजीशन बन जाती है और ये किसके इक्वल होगी, 18300 के पुट ऑप्शन के। तो 18300 के पुट ऑप्शन से हमने सिंथेटिक एग्जिट लिया है, कैसे, क्योंकि यहां पे तो हम डायरेक्टली एग्जिट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, तो मैंने 18300 का एक सिंथेटिक पुट ऑप्शन बाई कर लिया है। 18300 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था और यहां से एग्जिट करने के लिए मुझे 18300 के पुट ऑप्शन को बाई करना था, तो 18300 के पुट ऑप्शन को मैं डायरेक्टली बाई नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 18300 के सिंथेटिक पुट ऑप्शन को बाई कर लिया है। और वो कैसे किया, जो फ्यूचर है उसको करंट मार्केट में मैंने सेल कर दिया और 18300 का कॉल ऑप्शन है उसको मैंने बाई कर लिया। तो फ्यूचर शॉर्ट प्लस 18300 कॉल बाई इज इक्वल टू 18300 पुट बाई, और मुझे 18300 का पुट ऑप्शन ही बाई करना था, इस वजह से यहां से मैंने सिंथेटिकली एग्जिट कर लिया, मैंने स्लिपेज चार्जेस नहीं दिए। अगर आप डायरेक्टली करते तो आपको मोर देन 5000 रुपीस का लॉस होता, जो स्लिपेज चार्जेस हैं वो इतने हाई होते, क्यों, क्योंकि बिड और आस्क में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंथेटिक एग्जिट लिया, मैंने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया और 18300 के कॉल ऑप्शन को बाई कर दिया जो काफी लिक्विड है क्योंकि आउट द मनी है। तो अगर आप किसी भी पोजीशन में इस तरह से फंस जाओ तो आपको क्या करना है, अगर आप पुट ऑप्शन में फंसे हो तो आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे, और जिस स्ट्राइक प्राइस में आप फंसे हो उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पुट ऑप्शन में फंसे हो दैट मींस कॉल ऑप्शन है वो आउट द मनी होंगे और वो काफी लिक्विड होंगे। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर को सेल करके और कॉल ऑप्शन को आप बाई कर लीजिए, और अगर आप इन द मनी के कॉल ऑप्शन में फंसे हो तो इसका बिल्कुल आप रिवर्स कर दीजिए, आप फ्यूचर को बाई करके पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो। तो चलिए ये वो तरीका है जिससे आप इलिक्विड इन द मनी ऑप्शन से एग्जिट कर सकते हो अगर वहां पे लिक्विडिटी नहीं है तो भी, तो आपको यहां पे फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये तरीका जानते हो तो आप इजीली इन द मनी इलिक्विड ऑप्शन से भी एग्जिट कर सकते हो, और इस तरीके को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एग्जिट। मैंने सिंथेटिकली एग्जिट किया है, पुट ऑप्शन था वहां पे तो लिक्विडिटी नहीं थी, मैंने ऑलरेडी उसको सेल कर रखा था, तो एग्जिट करने के लिए मुझे बाय करना पड़ता, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी तो वहां पे मैं बाय नहीं कर पा रहा था, तो उसको मैंने सिंथेटिकली बाय किया। और वो कैसे किया, फ्यूचर को मैंने शॉर्ट कर दिया और सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय कर लिया। तो इस तरह से आप एग्जिट कर सकते हो इलिक्विड इन द मनी ऑप्शन से। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।